हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है वो रियल मायनों में इस तरह की ट्रेनिंग है कि जब आप फील्ड में जाएं, ऑफिसर जब फील्ड में जाए तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो लेफ्ट आउट हो गई है और आपका उस एक्टिविटी के तरफ आपका एक्सपोजर आपको नहीं मिला हो। हॉर्स राइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, आउटडोर, इनडोर, हर चीज़ का एक बहुत ही वेल प्लान्ड एक शेड्यूल के माध्यम से पूरा एक्सपोजर दिया जाता है। बहुत सारे रूट मार्च होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपको तपाते हुए एक ऑफिसर के रूप में तैयार करते हैं। और जिस तरह का मैंने कहा कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स होते हैं, बाहर से जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, डीजी रैंक, एडीजी रैंक, उन ऑफिसर्स के लेक्चर्स होते हैं, टेक्निकल फील्ड के, चाहे वो फील्ड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उनके स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करती है एकेडमी, ताकि जब ऑफिसर तैयार होकर फील्ड में जाए तो वो हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो। मुझे ध्यान पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक आम उस स्टूडेंट में जो यूपीएससी की तैयारी करके वहाँ पहुँचा है, उस एक आम लड़के और लड़की के कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई कर देता है कि वो अब फील्ड में आके एज एन आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर आके काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि फील्ड में आप जब आ रहे हैं तो आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं। किसी भी ऐसी सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अनटाइमली सिचुएशन, किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार हैं। कई बार ये होता है जब हम फील्ड में आज हैं तो जब कोई इस तरह की अनसीन चीज़ सामने आती है जो आपने कभी अज्यूम नहीं की हो, ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें सामने आती हैं, तो किसी भी तरह की टेंशन या एन्जाइटी नहीं होती। आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं एज एन ऑफिसर कि इसको कैसे फेस करना है, इसको कैसे डील करना है, क्योंकि आप ट्रेंड उस चीज़ के लिए हो चुके हैं और आपकी ट्रेनिंग जो एक साल की है वो उसी चीज़ को लेकर के हुई है। तो एकेडमी में रहते हुए ये जो पूरा शेड्यूल है, इवन हॉर्स राइडिंग का शेड्यूल भी एक ऐसा शेड्यूल है, जब हम शुरू में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम घोड़े पे नहीं बैठे हैं और यहाँ आप घोड़े पर बैठ करके उसे अलग अलग तरह की चालों में चलवा रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम में आप उसे सल्यूट भी मरवा रहे हैं और सब कुछ सावधान विश्राम भी करा रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचने में बड़ी शुरू में अजीब लगती हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी हो रही हो जाती है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो पता चलता है कि आपने भी ये किया है और लॉन्ग टर्म में ये आपके कॉन्फिडेंस को, उस ऑफिसर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक ज़रिया होता है। जब फील्ड में आकर के काम करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में, आज 16 साल मेरा जनवरी में अपनी सर्विस में शुरू होगा, तो इन 16 सालों में जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो एक एक चीज़ जो मैंने उस ट्रेनिंग में की है वो चीज़ मुझे आज बहुत अच्छा फील करवाती है, कॉन्फिडेंट फील करवाती है और मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं वो उतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग करके यहाँ पर पहुँची हूँ। आप जब आके हज़ारों की संख्या में फोर्स को यहाँ पर लीड करते हैं तो वो लीडरशिप ऐसे ही नहीं आती जब तक कि वो उस तरह की ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई है।